नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। अक्सर कंगना हर मुद्दे पर बोलती हैं और बिंदास होकर लिखती हैं। वहीं अपने परिवार से जुड़ी कई बातें भी वो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कंगना ने अपने परिवार की कुछ तस्वीरें और स्टोरीज को शेयर किया है, जिसमें उनके माता पिता भाई अक्षत और भाभी रितु और बहन रंगोली भी नज़र आ रही है। इसी के साथ कंगना ने अपनी बहन रंगोली को लेकर एक स्टोरी अपने फैंस के साथ साझा की है। कंगना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर बहन रंगोली को लेकर लिखा कि रंगोली की योग की कहानी काफ़ी प्रेरित कर देने वाली है। कंगना ने बताया कि एक सिरफिरे आशिक ने रंगोली के चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। उस वक्त वो महज 21 साल की थी और थर्ड डिग्री बर्न हो गया था। रंगोली का आधा चेहरा झुलस गया था। एसिड की वजह से एक आंख की रोशनी चली गई थी, वहीं एक कान भी पिघल गया था। एसिड की वजह से ब्रेस्ट भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। एसिड अटैक के बाद रंगोली की 2 से 3 साल में तकरीबन 50 से ज़्यादा सर्जरीज हुई, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाई। कंगना आगे बताती हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रंगोली की मानसिक स्वास्थ्य की थी। इस हादसे की वजह से रंगोली ने बोलना छोड़ दिया था। घर में कुछ भी होता रंगोली खामोश रहती थी, बस चीज़ों को देखती रहती थी। कंगना बताती हैं कि रंगोली एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ सगाई के लिए रिश्ता पक्का हो गया था। एसिड अटैक के बाद जब उसने रंगोली का जला हुआ चेहरा देखा तो वे कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस बात को जानकर भी रंगोली की आंसुओं में से एक आंसू तक नहीं बहा और ना ही उसके मुंह से कोई शब्द निकला। कंगना ने आगे लिखा कि जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने कहा कि वे शॉक में चली गई हैं, जिसके बाद रंगोली को साइकेट्रिस्ट की मदद से थेरेपी दी गई, लेकिन इससे भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। कंगना ने बताया कि जब रंगोली के साथ ये हादसा हुआ तो वे महज 19 साल की थी। कंगना आगे बताती हैं कि वे अपने टीचर सूर्य नारायण के साथ योगा करती थी। कंगना कहती हैं कि वे नहीं जानती कि इस योगा से जन्य और मनोवैज्ञानिक आधार वाले रोगियों को भी रेटिना ट्रांसप्लांट रिकवरी और खोई हुई दृष्टि पाने में मदद मिल सकती है। उसके साथ कंगना आखिरी में लिखती हैं कि वे चाहती थी कि रंगोली कैसे भी उनसे बात करे, जिसके बाद वे उन्हें अपने साथ हर जगह ले जाती थी। कंगना कहती हैं कि फिर उन्होंने रंगोली को खुद के साथ योगा क्लास में ले जाना शुरू किया। रंगोली ने योगा करना शुरू किया और फिर कंगना ने उसमें कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। कंगना बताती हैं कि योगा करने के बाद रंगोली हंसने लगी, यहाँ तक कि उनके बुरे जोक्स पर भी रंगोली हंसती थी। रंगोली की आंखों में रोशनी वापस आने लगी। योगा हर सवाल का जवाब है, क्या आपने कभी इसे अभी तक मौका दिया है? ऐसा कंगना रनौत अब सवाल पूछकर अपनी बात को ख़त्म करती हैं। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।